पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 187% इसने लोगों को रिटर्न दे रखा है। आज हम 4 शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें से एक मल्टीबिगर है जो कि आपको पिछले 6 महीने में 250% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। आज का हमारा सबसे पहला वाला जो शेयर है वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, मतलब CDSL। मौजूदा समय में ये 1295 पे कामकाज करता हुआ हमें दिख रहा है। इसका प्रीवियस क्लोज पे अगर हम बात करते हैं, इसका प्रीवियस क्लोज ऑलमोस्ट 1248 का है और इसकी शुरुआत कहाँ से है, बढ़ चढ़ के है। कितना, थोड़ा सा नीचे में। कितना ज़्यादा होगा ये नीचे? ये नीचे बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रहा था आपका 1252 पे। तो अब देखिए इसमें ख़ास बात हमें क्या नज़र आई है, जो शेयर ज़्यादातर मैक्सिमम समय अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर चढ़ के जब शुरू होता है तो इंट्राडे वालों के लिए खुशखबरी होती कि वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा 90% वो शेयर उस दिन अच्छा कामकाज करता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से कामकाज करता है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स और डिपेंड करते हैं, जैसे सेंसेस का ऊपर जाना, सेंसेस का घटना, तो इन सब पे भी डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। शुरुआत में मार्केट में इसने एक पहली डिप दिखाई लगभग 11 बजे के आसपास, लेकिन ये डिप उसके लिए बहुत साधारण मिनिमम था क्योंकि उसको पता था कि उसको आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। कहाँ पे? ऑलमोस्ट 255 पर। ये 1255 नंबर है, इसके लिए एक अच्छा नंबर रहा है आज के दिन, क्योंकि इसने क्या किया, लगभग 2:30 बजे तक इसी रस्सी को पकड़ के आराम से कामकाज करने लगा। इसी रस्सी को उसने आराम से पकड़ रखा था क्योंकि यहाँ से उसको एक अच्छा लंबा रास्ता तय करना था, ऊंचाई की तरफ जाना था। यहाँ से उसने लगभग 1270 को आराम से इसने क्रॉस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने लगभग 70 के आसपास जाके उसने कामकाज किया। अब यहाँ से उसको और एक फ़ायदा हमें मिलता हुआ नज़र आता है, और वो फ़ायदा क्या था, यहाँ से उसे एक बार और चढ़ाई का मौका मिल गया। ये चढ़ाई कितने नंबर का था? ये चढ़ाई ऑलमोस्ट 1290 का था। कितना था? 1290। 1290 कोई छोटी रकम नहीं है उसी दिन के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा रकम था एक दिन में इतनी सारी चढ़ाई का। अगर हम बात करेंगे इसके शॉर्ट टर्म पीरियड इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो शॉर्ट टर्म पीरियड इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1360 इसका सबसे आइडियल नंबर होगा अगले एक से डेढ़ महीने के अंदर, ये वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। इसमें इतनी काबिलियत तो है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, एक से डेढ़ महीने तक के लिए अगर आपको उसमें निवेश करना है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय में आपको ये कितना दे सकता है, अभी यहाँ से आप बहुत गौर से बात सुनेंगे। देखिए हर रोज़ कई 100 से 1000 लोग कहाँ पर आ रहे हैं, शेयर मार्केट के बिज़नेस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका ये जो सर्विस है, ये सर्विस का काम क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है, इसमें सारे लोग डीमैट अकाउंट की गिनती करता है, तो ये वो सर्विस प्रदान करता है। इसका मतलब समय के साथ जितने लोग इसमें आते जाएंगे तो उतना ज़्यादा इसका शेयर बढ़ते जाएगा। मतलब ये है कि अगले 5 साल में ये शेयर ऑलमोस्ट 4000 क्रॉस कर जाएगा। ये बात आप आज लिख लीजिए, अगले 5 साल में ये 4000 क्रॉस कर जाएगा। इसलिए अभी आप पर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा इसमें SIP करते हैं, या बड़े रकम से या छोटे रकम से आप इसमें शुरुआत करना चाहते हैं, दोनों आप पर दारोमदार हैं, आप अच्छे से इसमें निवेश करने लायक है। आज का हमारा अगला शेयर है टाटा स्टील लिमिटेड। ये फ़िलहाल ये शेयर 106 रुपये पे कामकाज कर रहा है। दिन भर का विश्लेषण अगर करते हैं तो इस लगभग इसका 105 पे इसका प्रीवियस क्लोज हमें देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है 106 से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दिन भर में इसने बड़े कमाल कर दिखाए हैं। अब इस कमाल में और क्या क्या डिटेल हम खोज पाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इसने 107 पे सबसे पहला मीडियन बनाने की एक कोशिश की थी जो नाकामयाबी के साथ 11 बजे के आसपास पर टूट के गिरा। इसके बाद इसको यहाँ से अब ध्यान दीजिए, देखिए दो बार सपोर्ट मिला, तीन बार सपोर्ट के बाद थोड़ा सा चढ़ के इसको चौथे बार इसने अपर बॉटम का सपोर्ट लिया। अपर बॉटम का सपोर्ट लेने के बाद से ही इसको एक अच्छा मुकाम मिल गया दोबारा 107 पे मेडियन बनाने का। क्या ज़रूरत थी मेडियन बनाने की? बेशक ज़रूरत थी। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इसको आगे भी अच्छी तरीके से व्यापार करना था।
आगे ये ठीक तरीके से बढ़ गया, फिर से इसको एक नीचे गिरावट हमको देखने को मिलता है। इस नीचे गिरावट के बावजूद भी इसको फिर से एक और उछाल मिला और इसने दो तीन बार उछाल के साथ ही अपना कामकाज आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसी के साथ इसने एक चीज़ को तय रखा कि इसने A107 का जो मीडियन था उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया, लेकिन मार्केट को अंत आते आते इसमें हमको एक गिरावट नज़र आती है। क्या ये गिरावट सही रहेगा? जी हाँ, ये गिरावट सही रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग इसमें अब फ्रेश निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस निवेश में उनके लिए काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगले दो दिन में इस शेयर में थोड़ी सी नरमी हमको देखने को मिलेगा, तब वो बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको कितने में ख़रीदना चाहिए? फ़िलहाल 106 पे चल रहा है, आपको इसको लगभग 98 के पास जब ये पहुँच जाएगा, या पहुँच भी जाएगा एक दो दिन में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 98 तक ये चला जाएगा, तब जाके आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं 98 टू 100 के बीच में। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म आपका टारगेट कितना होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें आपका होना चाहिए 180, उससे ज़्यादा मत रखिए क्योंकि इसका फ्लक्चुएशन इस शेयर का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 180 का टारगेट आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें 290 से ज़्यादा फ़िलहाल, अगर आप लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से कितना है आप बताइए, फ़िलहाल ये 3 साल और 2.5 साल के बीच का है, 290 आपका हो जाएगा। हमारा आज का अगला शेयर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मौजूदा समय में HDFC लाइफ 527 पे कामकाज कर रहा है और इसका प्रीवियस क्लोज पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो प्रीवियस क्लोज हमें दिखता है 574 का, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ पे होती है, लगभग उसी के आसपास ही शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा घट के शुरुआत हुआ, ऑलमोस्ट 573 के आसपास इसकी शुरुआत हमको एक नज़र आ रहा है। इसने पूरे दिन भर में बहुत ख़ास कुछ कामकाज किया नहीं, लेकिन एक अच्छी बड़ी खबर मैं आपको इसके बारे में अब देने वाला हूँ, और वो ये है कि जब इसमें शुरुआत होती है तो बिल्कुल तर्रारे के साथ, बिल्कुल उछाल के साथ, उठान के साथ इसका खुशहाल तरीके से स्वागत होता है शेयर बाज़ार में, लेकिन तुरंत ये गिरता भी है, फिर चढ़ता है और फिर थोड़ी देर अपने रेजिस्टेंस को बनाने के लिए बेकरार रहता है। लेकिन आगे चल के पूरे दिन भर में इसने दोबारा इस 575 के मेडियन को दोबारा छू नहीं पाया, उसके बहुत सारे रीजंस है। देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब ये 11 बजे के आसपास दोबारा पकड़ने की कोशिश किया था 575 के मेडियन को, इसको दोबारा मुँह की खानी पड़ी और ये 11:30 बजे के आसपास 570 पे आके बिल्कुल धड़ाम से गिरा, जो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ से उसने फिर से एक उछाल लेने की कोशिश की और माइन्यूटली अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए दो सपोर्ट इसको मिलता है यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको। इसका मतलब ये था कि इसको ऊपर जाना तो बिल्कुल फिक्स्ड था, बिल्कुल तय था, उसके बावजूद भी ये और दो बार नीचे आता है, फिर से दो यहाँ पे हमको अपर बॉटम का सपोर्ट दिखता है, फिर से ऊपर चढ़ा और फिर आगे बढ़ता गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इसके एंड की ओर तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर जाके बैठा है। इसका मतलब क्या है कि कल जब दिन भर में ये फिर से शुरू होगा तो ये और थोड़ा सा नीचे इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कितना नीचे आएगा? तो जो लोग इसको फ्रेश ख़रीदना चाहते हैं उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ अगर बाय करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए 565 के आसपास आपका बाइंग बिल्कुल सही रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म इसमें होना चाहिए ओनली 620, उससे ज़्यादा फिलहाल इसमें उम्मीद आप मत रखिए। ये शॉर्ट टर्म भी आपके अगले दिसंबर और जनवरी के बीच में आपको बहुत जल्दी से आपको दिखने लगेगा, लेकिन उससे भी पहले हो सकता है, ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, हो सकता है नवंबर के मिड तक आपको दिख भी जाए 620 का टारगेट। लेकिन अगर आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए आपका इसमें सबसे बेहतरीन रहेगा इसका 820 अगर आप देखते हैं तो इसका सबसे ये सही आपके लिए रहेगा अगले 5 साल तक के लिए। अब बारी है हमारी मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने की। मौजूदा समय में ये 390 पे कामकाज कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 187% इसने लोगों को रिटर्न दे रखा है। इस कंपनी का नाम है पंचशील ऑर्गेनिक्स। जी हाँ, पंचशील ऑर्गेनिक्स। इसके अगर आप पिछले 5 साल तक की अगर आप एक बात करते हैं तो 5 साल में भी इस कंपनी ने आपको धुएँधार एक रिटर्न दे रखा है, ऑलमोस्ट
75% का, और अगर आप इसमें मैक्सिमम अगर देख लेते हैं तो ये आपको शायद बर्दाश्त नहीं होगा, 29,000। जी हाँ 29,000। इसका क्या मतलब है, देखिए ये कंपनी शुरू हुई है 2006 से, जब इसकी कीमत थी ₹1, लेकिन समय के साथ इसके धार को देखिए आप ज़रा, 2017 में सिर्फ ₹23 था, लेकिन कहाँ से बढ़ा 2021 से। देखिए बहुत सारे रीज़न से जो नए कंपनी में 2021 से बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, वो है मार्केट में लोगों के निवेश करने का तरीका। ये इस तरीके ने लोगों को बिल्कुल शेयर मार्केट को बदल के रख दिया है। देखिए ये कहां से कहां पहुंच गया, 2021 से लेके जिन लोगों ने 2020 में भी इसमें निवेश किया था वो लोग आज करोड़पति अरबपति बन गए हैं। अब बात करते हैं अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कितना निवेश करेंगे। देखिए ऐसे कंपनी में सबसे पहले आप कोशिश कीजिए SIP करने की, कितना 1,000-2,000 आपसे जितना बनता है लगातार हर महीने करिए, क्योंकि क्या पता ये कब आपको बिल्कुल चांद पे ले जाके छोड़ देगा। अगर आप इसमें अगले 5 साल के लिए भी सिर्फ अगर 10,000 भी अगर इसमें जमा कर देते हैं तो आपका 4 से 5 लाख रुपये कहीं नहीं गए, ये आपको पक्का फिक्स्ड मिलना ही है। इसलिए ऐसे शेयर को बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए, ये बहुत बड़े मल्टीबैगर शेयर बनने वाले हैं। अगले दिसंबर तक आप इसमें देखेंगे ये 390 का 3 महीने के अंदर ये चला जाएगा ऑलमोस्ट 700+। जी हाँ ये 700+ अगले दिसंबर तक सिर्फ 3 महीने में पहुँच जाएगा। आप चाहे तो अभी इसमें निवेश कर सकते हैं, आपको एकदम 2 गुना इसमें आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, ये पक्की बात है।